मामला सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय अंतर्गत अनुमंडल गेट सामने सरकारी मवेशी अस्पताल बगल डॉक्टर ललन कुमार यादव क्लिनिक यदुवंशी चाइल्ड केयर सेंटर का है। गोनाहा पंचायत के पुरनदाहा वार्ड नंबर 14 का रहने वाला गरीब महादलित पीड़ित परिवार ने बताया कि मेरा बच्चा 5 महीने का है, जिसे 5 दिनों से डॉक्टर ललन कुमार यादव के क्लिनिक यदुवंशी चाइल्ड केयर सेंटर में भर्ती कराया गया है। पीड़ित ने बताया कि डॉक्टर ललन कुमार यादव पूर्णिया के सरकारी अस्पताल में काम करता है, जो त्रिवेणीगंज के अनुमंडल गेट सामने मवेशी अस्पताल बगल में यदुवंशी चाइल्ड केयर सेंटर चलता है। डॉक्टर ललन कुमार यादव ने मेरे 5 महीने के बीमार बच्चे का तबियत ठीक करने की गारंटी ली थी। 5 दिनों में मुझे जैसे गरीब महादलित से 44,000 रुपये ले चुके हैं। रुपए की लालच में मेरे छोटे से नाजुक बच्चे को मार दिया। वहीं पीड़ित के परिजनों ने बताया कि मेरे द्वारा डॉक्टर ललन कुमार यादव को कई दिनों से बताया जा रहा है कि अगर आप बच्चों का इलाज ठीक तरह से नहीं कर पा रहे हैं या आपके बच्चे का बीमारी समझ में नहीं आ रही है तो रेफर कर दीजिए, मैं छोटे से नाजुक बच्चे को लेकर कहीं और जाकर बच्चों के अच्छे डॉक्टरों के पास ले जाकर इलाज करवाएंगे। क्या नाम है? अनिल कुमार। घर? वार्ड नंबर 14। क्या मामला था यहाँ पर? बच्चा को एडमिट किया था, जॉन्डिस था प्लस निमोनिया। कितना दिन का बच्चा था? 5 महीना का। 5 महीना का जी। कौन सा कहाँ एडमिट किए थे? चाइल्ड केयर सेंटर। अच्छा, क्या बोला था आपको एड किए थे? गारंटी लेते हैं, ठीक करके देंगे। डॉक्टर का नाम जानते हैं? ललन कुमार यादव। अच्छा, क्या बोला फिर? यही की गारंटी लेते हैं। आज क्या दिन से है उसमें? आज 4 दिन हुआ। अच्छा, पापा अभी क्या हुआ है? एक्सपायर कर गया, जानते ही कर गया। कॉलेज को बोले हम बच्चा, मतलब जो है क्या कहते हैं, बच्चा जो है मतलब हमको अच्छा नहीं लगता है, बच्चा हमको दिखते। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार चौधरी। घर कहाँ? पुरंदा। वार्ड नंबर 14। क्या मामला था? दोस्त था मेरा, बच्चे को लेके आया था ये लोग, हम तो थे नहीं। हम दूसरे दिन आए तो बोले कि नहीं, यहाँ से नहीं रखना है, लेके जाना है। आए यहाँ पे बोले चलिए हमको बच्चा डिस्चार्ज कर दीजिए, नहीं रखना है यहाँ पे, हम ले जाएंगे बाहर। ये गारंटी इतना लिया जैसे लग रहा है भगवान यही बैठ गया है यहाँ पे कि नहीं अब ये ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। पैसे भी ले लिया जो मर्जी। कितना पैसा लिया है अभी तक? मैं 44,000 रुपया ले चुका हूँ। क्या दिन हुआ है? 5 दिन हो चुका है अभी तक। 44,000 रुपये ले लिया है और सिर्फ रोज का रोज यही सब चल रहा है। गारंटी लिया था कि ठीक कर देंगे? गाड़ी लेके रोज रोज हम आ रहे हैं। और बच्चा तो पूछिए किसी को भी, गाड़ी रोज आए ना हम लोग ये तो हम कहे डॉक्टर आपको समझ। क्या नाम हुआ आपका? अब्दुल हमीद। कहाँ का रहे? क्या मामला था यहाँ पर? यहाँ पर डॉक्टर जो भर्ती हुआ था बच्चा, तो हमको लेकर के उसके बच्चा का दादा आया लेकर के, चलिए हम भी देखिएगा कैसा है। आए देखे हम लोग कोई सर बताए डॉक्टर आपको समझ में नहीं आता है तो हमको रेफर कर दीजिए, हम अपना लेकर के दुनिया देखेंगे क्या हाल है, कैसा है नहीं है। कहा नहीं, हम बच्चा को आपको टाइम लगेगा, हम गारंटी लेते हैं टाइम लगेगा, बच्चा को आपको खिला करके हम गोद में देंगे। कल भी आए तो देखे थोड़ा सुस्त बच्चा को, बोले डॉक्टर साहब बच्चा हमारा सुस्ता है, सुन आप अभी भी रेफर कर दीजिए हम। कहा नहीं, अब सुस्त है, बुखार है, इसीलिए ऑक्सीजन लगा हुआ है, इसीलिए सुस्त है, तो हम गारंटी लेते हैं बच्चा को आपको खिला कर भी गोद में। तो कहीं हम लोग चले जाएँ तो हम चले जाएंगे, तो हम लोग कल चले गए शाम। आज आ जाए? आज सुबह में मालूम हुआ तो आए। तो क्या हुआ है? तो मालूम हुआ तो बता देते हैं, लेट किया हुआ। अच्छा, तो बच्चा नहीं दिया आप लोगों को? नहीं दिया है। क्या बोला? डॉक्टर साहब को फोन हुआ तो कंप्यूटर बोला से बच्चा को ले लीजिए चले जाइए। हाँ बोले ना, गारंटी जो लिया था डॉक्टर साहब उसका हल किया है। तो बच्चा कहाँ है अभी? अंदर में है अभी, निकलने दिया है? नहीं, कोई नहीं है यहाँ देने वाला? नहीं अभी तो नहीं है। ताला मार दिया क्या? ताला तो नहीं है मरा हुआ, खुला हुआ है, अंदर से बंद है। ताला बंद है, अंदर ही से बंद है। तो देखिए बच्चा निकालिए ना आप लोग, बच्चा लीजिए। क्या नाम है आपका? सहदेव सरदार। कहाँ घर है? पुरंदा। वार्ड नंबर 14। आप कहाँ आए थे? यहाँ डॉक्टर। कौन डॉक्टर है? किसको लेके आए थे? पोता है सर। कितना दिन का? 5 महीना। क्या हुआ था फिर? उसको बुखार था। हाँ, इनको बोले तो कभी ठीक है यहाँ भर्ती कर दीजिए, उसमें डॉक्टर भी था और लोग भी यहाँ था, बोले नहीं हम गारंटी, कल भी बोले हमको बच्चा दे दो, कल भी बोले उसको बच्चा दे दो हम ले जाएंगे, कहीं नहीं यहाँ ठीक कर देंगे, 16 आना ठीक कर देंगे, हम कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है। परसों भी बोले उसको डिस्चार्ज कर देंगे लेकिन नहीं किया। अभी रात में 10 बजे गया,
बोला जो नहीं बच्चा सीरियस है, अभी भी बोला है सीरियस है, आया तो बच्चा को हम कल ही देखे सर पोजिशन गड़बड़ सर पूछिए ये भी सर बच्चा नहीं दिया है अभी जी नहीं अभी बच्चा कहाँ है बच्चा भीतर है भीतर क्या हुआ भीतर में निकाला नहीं है भाग गया है सब सब भाग गया बच्चा सब भाग गया क्लिनिक के छोड़ के सब भाग गया बंद करके सब भाग गया और बच्चा इसी में बंद है इसी में बंद है 10-12 बच्चा उसका भी जिम्मेदारी है क्या करेगा नहीं करेगा सब बच्चों को छोड़ के भाग गया पूरा क्लिनिक के कल भी सर बोले दे दो बच्चा भाई हम ले जाएंगे बच्चा मांग रहे हैं 3 दिन से प्रभात कुमार आप कहाँ पर रहते हैं अभी यहीं पर रहते हैं कहाँ पर कौन सा जदवंशी चैल के आप क्या हैं कंपाउंडर हैं जदवंशी चैल क्लिनिक का डॉक्टर साहब कब कब रहते हैं डॉक्टर 9 बजे तक क्या बजे से क्या बजे 12 बजे से 9 बजे दिन में 12 बजे से रात 9 बजे तक इसका बच्चा कैसे डेट कर गया है पे? तो सर हमको पता नहीं है उसका नाम पता नहीं है आप नहीं थे आज क्या दिन से इलाज चल रहा था बच्चा का 3 रोज से चल रहा है 5 रोज ये लोग बोल रहा था कि जो है हम लोग को यहाँ से मतलब भेज दीजिए रेफर कर दीजिए दूसरे जगह इलाज कराएंगे तो सामने में सर भाई जी लोग से बात नहीं हुआ कि भेज दीजिए सर से बात किया होगा सुनिए ना बच्चा को गारंटी के साथ इलाज किया जाता है यहाँ पर वो तो नहीं सर बता सर बताएंगे वो गारंटी साथ लिया था कि नहीं कहाँ के डॉक्टर साहब हैं ये मधेपुरा के मधेपुरा में घर है इनका कि कहीं ड्यूटी करते हैं काम करते हैं मधेपुरा में घर है कहीं ड्यूटियों करते हैं ये जी ड्यूटी करते हैं कहाँ पर पूर्णिया मोड़ में एक सप्ताह में एक रोज़ एक सप्ताह में एक रोज़ पूर्णिया मोड़ में सरकारी अस्पताल में जी क्या नाम है उनका डॉक्टर साहब का क्या नाम है ललन कुमार यादव और वहाँ सप्ताह में एक दिन ड्यूटी करते हैं उसके बाद यहाँ ड्यूटी करते हैं इसका बच्चा जो है मर गया ये आपको जानकारी है ना डॉक्टर साहब अभी नहीं है उसको खबर किया आप क्या बोला आ रहे हैं